हे गाइस, आज के न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुके हैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रिगार्डिंग एंड स्टूडेंट्स स्किल्ड माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब तो हम जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया भी जाना है सब ने, ठीक है, स्टूडेंट्स स्किल्ड माइग्रेंट्स ने, ठीक है, विजिटर्स ने, इसलिए वहाँ जाकर भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल पर। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज की जो वीडियो है न्यू अपडेट्स हैं उसको करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट अपडेट है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर का जो ट्रैवल वर्बल था वो फाइनली सेट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट उनकी है जो 8 नवंबर से, ठीक है, ये बबल ट्रैवल बबल है जो स्टार्ट होने वाला है, कि ये लॉन्ग अवेटेड क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल है होगा, ठीक है, फ्री ट्रैवल बबल होगा सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया के बीचकार जो है 8 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। दोनों कंट्रियों के लोग ट्रैवल कर पाएंगे सिंगापुर के ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के सिंगापुर के लिए। और लास्ट में इन्होंने बताया कि जो उनकी आउटबाउंड एंड इनबाउंड बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी हटने जा रही हैं फॉर फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स फ्रॉम 1 नवंबर, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इन कंट्रियों का भी, ठीक है, उसके साथ सिंगापुर के साथ ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, मतलब जो भी सिंगापुर में आएगा उसको अलाउ करती है, कि जैसे इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, कि इनको अलाउ करती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी कि हम भी फिर बाय सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ऑस्ट्रेलिया लिफ्ट ट्रैवल बैन फॉर सिटीजन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो उनका ट्रैवल बैन है वो इस साल के लास्ट में, ठीक है, सिटीजन्स के लिए तो हो ही रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए भी हो जाएगा। इन्होंने अपडेट दी कि ऑस्ट्रेलिया विल लिफ्ट अ बैन ऑन सिटीजन्स ट्रैवलिंग ओवरसीज विदाउट परमिशन, द गवर्नमेंट अनाउंस वेडनेसडे विद द कंट्री बॉर्डर सेट टू ओपन टू स्किल्ड वर्कर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय द ईयर एंड, ठीक है, कि साल के लास्ट में स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए भी जो इनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है, और स्किल्ड माइग्रेंट्स होंगे जो वो भी ट्रैवल कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जो नेक्स्ट अपडेट है उसकी बात करें तो एयर इंडिया के द्वारा जो कि फ्लाइट स्टार्ट होने पर या दिल्ली टू सिडनी एंड सिडनी टू दिल्ली, ठीक है, 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट होने जा रही है, 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है और इनकी बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब बुकिंग की बात करें तो, ठीक है, और काफ़ी कह रहे होंगे स्टूडेंट्स जो इंडिया से हैं, ठीक है, कि वे हम बुक करवा सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी आपको मैं आंसर दे देता हूँ कि अभी इन्होंने जो बताया है, एक स्टूडेंट ने इनसे पूछा था कि भाई स्टूडेंट्स भी अपना जो है ट्रैवल कर सकते, इन्होंने ये देख सकते हो, कैन स्टूडेंट्स ट्रैवल इन दिस फ्लाइट प्लीज़ आंसर। इन्होंने कहा कि हम कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं शेड्यूल के ऊपर, ठीक है, टू मैच डिमांड को पूरी कर पाएँ, ठीक है, कि जो भी कोई अपडेट आता है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए अभी हम नहीं बुक कर सकते फ्लाइट, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं बुक कर सकते, और जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा इनका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, बुकिंग के रिगार्डिंग। और जो नेक्स्ट है उसकी बात करें तो ये जर्नलिस्ट है, ठीक है, इन्होंने एक शेयर की है ट्वीट, इंटरेस्टिंग लाइन इन दिस गवर्नमेंट प्रेस, जो प्रेस हुई थी गवर्नमेंट की रिलीज, रीओपन इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, और उसमें लिखा था बिफोर द एंड ऑफ द ईयर वी एंटिसिपेट वेलकमिंग फुली वैक्सीनेटेड स्किल्ड वर्कर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, उसमें कहा था कि फर्स्टली प्रायोरिटी सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स को, एंड नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी सातवीं होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स को इस साल के लास्ट में। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म है CEO हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि भी हमें जल्द से जल्द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटर्न करवाना पड़ेगा, कंट्री में बैक लाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, मतलब पैसा आता है उनके पास और
स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते फॉर दी ह्यूमन सॉरी टूरिज्म इंडस्ट्री, इसलिए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। अब तो बहुत ज़्यादा होप्स हो चुके हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इस साल के लास्ट में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स भी। बस होप है कि जल्द से जल्द हम भी ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। जी गाइज, यही थी आज की वीडियो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन। लास्ट में एक बात कहूँगा मैं स्टूडेंट्स को कि थोड़ा पॉजिटिव रहा करो, डिप्रेशन में मत रहा करो, कि जल्द ही हम भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ठीक है स्किल्ड माइग्रेंट्स की ट्रैवल कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसलिए पॉजिटिव रहा करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना। मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के साथ।